ओम नमः शिवाय। प्रणाम। क्या आप कोई भी अगर धर्म से संबंधित है और दूसरे धर्म की कोई साधना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मान लीजिए आप इस्लामिक हैं और सनातन धर्म या कोई अन्य धर्म बौद्धिस्ट वगैरह की साधना करना चाहते हैं। मान लीजिए आप सनातन हिंदू धर्म से संबंधित हैं और आप इस्लामिक तंत्र या बुद्धिस्ट तंत्र या जैन तंत्र या किसी भी तंत्र से संबंधित कोई साधनाएं करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मान लीजिए आप सनातन धर्म से संबंधित हैं और आप चाहते हैं कोई भी दूसरे धर्म की साधना करना, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो या इस्लाम हो या और कोई भी हो, तो उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये धर्म है, यानी जिसको जिस इंसान ने धारण किया है, जो इंसान जिस तरीके का जिस कल्चर को मानता है, यानी ये स्वयं की एक इच्छा से दूसरी प्रकृति में ढल गया है, तो उस प्रकृति को, उस कल्चर को वो मान रहा है, वो एक धर्म है। बाकी इंसान जैसा दूसरा इंसान है वैसा हम स्वयं भी एक इंसान हैं। तो एक कल्चर होता है, वो अलग अलग होता है, उनके मानने के उनके कुछ नियम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें ये कोई भी अपना मायने नहीं रखता कि आप किसी भी तरीके के किस धर्म से संबंधित हैं और दूसरे धर्म की कोई साधनाएं करते हैं तो वो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आती हैं। बस रुकावट ये आती है कि आप नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, आपका कल्चर क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका जो पूजा पाठ का है या जो कोई भी अपना स्वयं का कल्चर है, स्वयं के धर्म से संबंधित कल्चर है और आप दूसरे धर्म का अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, मतलब उनकी कुछ साधनाएं अपना रहे हैं, उनको करना चाहते हैं, तो आप उनके कल्चर के अनुसार अगर उसको सही तरीके से करते हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि आज के समय में ऐसा, मतलब आप मान लीजिए कि पूरे भारत भर में या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, दूसरे लोग हैं वो हिंदू कल्चर को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और दूसरे जो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस्लामिक तंत्र को मानते हैं, इस्लामी संस्कृति को मानते हैं, इस्लामिक जो धर्म है उनको मानते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो बुद्धिस्ट तंत्र को मानते हैं, बुद्धिस्ट साधनाएं करते हैं, बुद्धिस्ट मंत्र जप करते हैं और बुद्धिस्ट टेम्पल वगैरह होते हैं तो उनमें भी जाते हैं, और काफ़ी सारे हिंदू हैं जो इस्लामिक जो मस्जिद दरगाहें वगैरह हैं वहाँ पर भी जाते हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि इंसान को किसी दूसरे कल्चर से जुड़ने से रोकने में कोई भी धर्म है वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अपना जो मेंटली थॉट होता है वो किस प्रकार से, अपनी सोच किस प्रकार से है, अपनी सोच के अनुसार अपन उसको अपनाते हैं और अपनी उस कल्चर से संबंधित अपने को ऐसा एक नियमों का पालन करना पड़ता है जिससे उन साधनाओं में अपन सफल हो सकते हैं, उन मंत्रों की साधनाएं कर सकते हैं, उन तंत्रों को मान सकते हैं। ऐसा हर जगह ऐसा है और विशेषकर अपने इंडिया में देख लीजिएगा, लगभग काफ़ी सारे 40% लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक तंत्र को भी मानते हैं और हिंदू तंत्र को भी मानते हैं, मतलब दोनों ही कल्चर को मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर हैं, जैसे आप देखिएगा फॉरेनर बहुत से हैं जो इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर अपने जो बड़े बड़े हिंदू कल्चर से संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे वृंदावन है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, बनारस है, तो ऐसे क्षेत्र में वो लोग यहाँ पर अपना कल्चर अपनाते हैं, अपने पूजा पाठ करते हैं, जबकि वो ईसाई वगैरह अदर धर्म से संबंधित होते हैं। ऐसे ही है, तो बहुत सारी जगह ये सब कुछ होता है, ये कोई भी मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म से संबंधित है और आप क्या मंत्र कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धिस्ट तंत्रों का मंत्र होते हैं जैसे, वो काफ़ी सारे हिंदू लोग हैं जो बुद्धिस्ट तंत्र को अपनाते हैं, बुद्धिस्ट तंत्र को करते हैं, बुद्धिस्ट तंत्र से संबंधित मंत्र जप करते हैं। तो ये एक जीवन का सफर है, ये और धर्म है वो एक अपनी नियमों का एक तंत्र है जिसको नियमों के अनुसार अपना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम में उसको अपनाया हुआ है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप कोई भी साधना कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप उनके नियमों के विरुद्ध नहीं जाना है। अपने को ये ध्यान रखना है, अपने को जो उसके कुछ नियम है उसका पालन करते हुए उनके साथ में ये कार्य करना है। तो आज आपको जो मैंने बताया ये यही टॉपिक था कि मेरे पास में दो तीन मतलब लोगों ने टेलीग्राम पर वगैरह पूछा था कि भाई हम इस्लामिक तंत्र के आप जो बता रहे हैं उनको कैसे करना है, उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।